हेलो एवरीवन, होप योर प्रिपरेशन फॉर द एग्जाम इज गोइंग वेल। तो कई सारे नॉन कॉमर्स स्टूडेंट्स के हमारे पास कमेंट्स आ रहे थे कि सर, हम कॉमर्स वाले जो सब्जेक्ट्स हैं उनको कैसे कवर करें। तो उसी से रिलेटेड 5 to 6 स्ट्रेटेजीज विच दे कैन ऑप्ट वी विल डिस्कस इन टूडेज वीडियो। तो सबसे पहले तो अगर मैं एक बार अपने सिलेबस पे नजर मारूं ESI डिप्टी डायरेक्टर में, तो इसका हमारे पास पार्ट ए है। पार्ट ए में तो इंग्लिश हो गया, जो कि बहुत ही इजी आ रहा है, तो आई थिंक उसमें तो किसी को भी दिक्कत नहीं आएगी। तो जितने आप मॉक्स लगाओगे, जितने प्रैक्टिस सेट्स लगाओगे, वैसे वैसे आपकी इंग्लिश इंप्रूव होती रहेगी, ठीक है। अब बात आती है पार्ट बी, जर्नल एबिलिटी की। तो जर्नल एबिलिटी में बात करूं तो जो पहले तीन टॉपिक्स हैं, द फर्स्ट वन इज प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, द सेकेंड वन इज प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट, फिर थर्ड के अंदर इन्होंने दो सब्जेक्ट्स को एक साथ लिखा हुआ है। कौन कौन से? सर, प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग, जो कि एक सेपरेट सब्जेक्ट है, देन प्रिंसिपल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जो कि एक सेपरेट सब्जेक्ट है। तो टोटल 4 सब्जेक्ट्स हैं जो हमारे कॉमर्स पे लिंक्ड हैं, राइट। फिर अगर उसके बाद की बात करें तो उसके बाद राइट टू इंफॉर्मेशन, ये थोड़ा लीगल हो गया। फिर न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग, जो कि हमारा मैथमेटिक्स से रिलेटेड हो गया। फिर फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, फिर उसके बाद जर्नल साइंस, फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड डेवलपमेंट एंड इश्यूज, फिर फ्रीडम मूवमेंट्स एंड इंडियन यूनियंस, करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। देखो, अब नॉन कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स के सर डाउट्स आ रहे थे कि यहाँ पे जो 3 टॉपिक्स हैं, या फिर मैं बोलूँ 4 सब्जेक्ट्स हैं, उनको कैसे अच्छे से वो प्रिपेयर कर सकते हैं। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, तो वो ध्यान रखें कि जब भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो 100% श्योर रखें कि उनका ये वाला पोर्शन पक्का हो रखा है। पता चले जो हमें आता है हमने वो रिवाइज किया नहीं, वो हमने अच्छे से पढ़ा नहीं, और जो हमारे लिए डिफिकल्ट है हम उस पर फोकस करते रह गए। तो फर्स्टली आप ये इंश्योर कर लो कि हाँ सर, हमारा ये वाला पोर्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इजिली इसे सॉल्व कर सकते हैं, और हमारी अच्छा कैसी प्रैक्टिस और लर्निंग जो करनी है वो हो चुकी है इन सारे सब्जेक्ट्स की। देखो, यहाँ पे बात करें जैसे राइट टू इंफॉर्मेशन वगैरह एक्ट की, तो ज्यादा बड़े टॉपिक्स हैं नहीं, ज्यादा बड़े एक्ट्स हैं नहीं, तो बेसिक चीजें यहाँ पे क्वांट रीजनिंग वगैरह, और ये सारी चीजें आप इजिली कवर कर सकते हैं जिसका कॉमर्स से कोई भी लिंकेज नहीं है, राइट। अब हम आज की क्लास में फोकस करेंगे कि भाई ये जो 3 सब्जेक्ट्स हैं, ये 3 सब्जेक्ट्स हैं, इनको कैसे क्लियर किया जाए। तो इससे रिलेटेड 5 to 6 स्ट्रेटेजीज जो कि आप ऑप्ट कर सकते हैं प्रैक्टिस के टाइम पे, वो मैं आज की क्लास में डिस्कस करूंगा, आज की वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो स्टार्ट करें। तो सबसे पहले अब आपको क्या करना चाहिए, जब आप कॉमर्स वाले टॉपिक्स को देख रहे हैं या कॉमर्स सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, तो डायरेक्टली कभी भी बुक्स ना उठाएं, हमेशा वीडियोस देखें। व्हाट यू कैन डू इज गो फॉर वीडियोस। इससे होगा क्या कि जब आप वीडियोस देखोगे एक सेकेंड, जब आप वीडियोस देखोगे उससे होगा क्या कि आप कुछ चीजें सुनोगे और देखोगे, तो उससे चांसेस क्या होंगे कि आपको कंसेप्ट अच्छे से समझ आएगा और आप ज्यादा टाइम के लिए उसे रिटेन करके रखेंगे। होता है ना कि जब हम मूवीज वगैरह देखते हैं या फिर सॉन्ग्स वगैरह सुनते हैं, तो वो हमारे माइंड में स्टोर कर जाता है और वो बार बार रिपीट होता रहता है। हम मूवी की पूरी स्टोरी एक ही बारी में बता सकते हैं, लेकिन जब बुक्स पढ़ते हैं तो बुक्स पढ़ी हुई चीज को हम ज्यादा टाइम रिटेन नहीं कर पाते, ये नहीं बता सकते आगे की भाई बुक में क्या था, होता है, राइट। तो बेस्ट पॉइंट क्या है, आपको क्या करना है कि हमेशा सबसे पहले वीडियोज देखना। डायरेक्टली ये मत करना कि बुक्स उठाई और उससे पढ़ना शुरू कर दिया। जब आप वीडियोस देखोगे, कंसेप्ट्स को अच्छे से समझोगे, तो चांसेस हैं कि कुछ कंसेप्ट्स आपके माइंड में ऑलरेडी सेव हो जाए और एग्जाम के टाइम पे वो आपको याद आ जाए, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग क्या करनी है, वीडियोस देखनी है। जैसे अगर आपको कोई भी कंसेप्ट लगा, या तो आपको कंसेप्ट आता है नहीं आता, अगर आता है तो रिवाइज कर लीजिए, नहीं आता तो वीडियो देख लीजिए उसकी, जिससे होगा क्या आप ज्यादा टाइम के लिए उसे रिमेंबर कर पाएंगे, ठीक है। फिर आगे बात करूं, आगे हमारे पास क्या है, सेकंड आप क्या कर सकते हैं, ध्यान रखना है कि आपको ज्यादा डीप टॉपिक में नहीं जाना, क्योंकि अगर आपने सब्जेक्ट अभी सिलेबस देखा तो उसमें हर एक जगह लिखा हुआ है सिर्फ प्रिंसिपल्स ऑफ स्पेसिफिक सब्जेक्ट, जैसे प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग, प्रिंसिपल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ HRM, प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग।
तो वो ज्यादा डीप टॉपिक्स में बिल्कुल नहीं जाएंगे, तो आपको भी इस बात का ध्यान रखना है कि आप बिल्कुल भी डीप टॉपिक्स में ना जाएं। फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल देकर समझा देता हूं। जैसे अगर मैं बात करूं मार्केटिंग में या फिर एचआरएम में, तो एक टॉपिक आता है मोटिवेशन। अब जब हम मोटिवेशन पढ़ते हैं तो इसके अंदर बहुत सारी सारी थ्योरीज हैं। अब हमें क्या करना है, सारी थ्योरीज अच्छे से नहीं पढ़नी। देखो अगर तुम कोई मार्केटिंग की मोटी सी बुक उठा के बैठ जाओगे उसमें मोटिवेशन, एचआरएम की मोटी सी बुक उठा के बैठ जाओगे तो उसमें मोटिवेशन की कई सारी थ्योरीज होंगी, वो सारी की सारी थ्योरीज पढ़ने मत बैठ जाना। ध्यान रखना जो बेसिक और इंपॉर्टेंट थ्योरीज है सिर्फ उन्हीं पे फोकस करना। जैसे अब मैं मोटिवेशन की ही बताऊं तो बिल्कुल स्टार्टिंग से करते हैं। जब हम 11 12th में भी पढ़ते हैं मोटिवेशंस, अगर आप 11 12th की बीएससी की बुक्स उठा लेंगे तो उधर मोटिवेशन की दो तीन थ्योरीज होती हैं। कौन सी? मैस्लो नीड हेयर की थ्योरी, या उसके बाद आ जाती है हर्ट्जबर्ग थ्योरी, या थ्योरी एक्स वाई जेड। तो उससे ज्यादा आपको डिटेल्ड में जाने की जरूरत नहीं है। तो इन डेप्थ स्टडी बिल्कुल मत करना, और इतनी रिक्वायरमेंट है नहीं प्रीवियस ईयर को देखने के अकॉर्डिंग। तो प्रीवियस ईयर में हम देखते हैं कि ज्यादा वो डेप्थ में नहीं गए एक्सेप्ट एक दो टॉपिक्स में। तो अगर आप एक ही सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा डेप्थ में चले जाएंगे तो आपको बाकी सब्जेक्ट कवर करने में प्रॉब्लम आएगी, राइट? फिर तीसरी चीज आप क्या ध्यान रख सकते हैं, तीसरी चीज आप ध्यान रख सकते हैं कि हमेशा फोकस करना कंसेप्चुअल क्लैरिटी की ओर। किस पे फोकस करना? कंसेप्चुअल क्लैरिटी की ओर। ये मत करना कि भाई पूरा पूरा चैप्टर तो पढ़ लिया लेकिन हमें याद कुछ नहीं है, या फिर याद पूरा चैप्टर कर लिया लेकिन समझ कुछ नहीं आया। क्योंकि अगर हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे, प्रीवियस ईयर का एनालिसिस देखा, अगर नहीं देखा तो इससे प्रीवियस वाली वीडियो देख लेना मेरी जिसमें मैंने प्रीवियस ईयर एनालिसिस किया था। तो उसमें मैंने देखा था, हमने बताया था कि जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो डायरेक्ट नहीं आ रहे, वो केस स्टडी के बेसिस में भी देखे जा रहे हैं, डिस्पाइट वो पेपर 2012 में हुआ था। तो अब तो वैसे भी 2022 है, तो अब तो और भी चांसेस है कि डायरेक्ट क्वेश्चंस कम आए। तो कंसेप्ट के ऊपर फोकस करना, और अगर कंसेप्ट पे फोकस करोगे, देखो कॉमर्स में होता क्या है, जनरली सारे सब्जेक्ट्स हमारे डे टू डे लाइफ से रिलेट करते हैं। तो जब आप उसे अपनी डे टू डे लाइफ से रिलेट कर पाओगे तो आपको अच्छे से वो समझ आएगा और आपको ईजी लगेगा। जैसे अगर एचआरएम की या मार्केटिंग की बात करूं तो आप उसे रिलेट कर पाओगे, हाँ भाई ये वाली कंपनी ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी फॉलो कर रही है, ये वाले चैनल्स फॉलो कर रही है। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में आप देख पाओगे कि हाँ कंपनी में ये ट्रेनिंग के मेथड्स होते हैं, ठीक है? तो अपने डे टू डे लाइफ से रिलेट करना और कंसेप्ट फोकस करना रेदर देन क्रैमिंग। फिर आगे बात करें तो उसके बाद आप क्या कर सकते हो, अच्छा यहाँ पे अब मैंने क्या किया है, एक सब्जेक्ट का नाम दे दिया है, क्या? प्रिंसिपल ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। मैंने स्पेसिफिकली क्यों लिखा यहाँ पे, ध्यान से सुनना। देखो जो मैंने प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस किया और जनरली जो ये पेपर है ये हमारा सबसे इजीएस्ट सब्जेक्ट है कॉमर्स में। कॉमर्स की बात करूं जो हमारे एचआरडी है, मार्केटिंग है, फिर हमारे पास उसके बाद आ जाता है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग और एफएम। तो प्रिंसिपल ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग ऐसा सब्जेक्ट है जो 11 12th से है। तो इसमें हमारी जनरल 11 12th की क्वेश्चंस देखने को मिले थे मैं प्रीवियस ईयर में भी, तो ये बहुत इजी सब्जेक्ट है। एफएम वगैरह से पहले इनको कवर जरूर कर लेना, चले आप एफएम उठाने पड़े वो एज कम्पेयर टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग थोड़ा सा टफर है, लेकिन ये ना हो गया आपने एफएम कर ली फाइनेंशियल अकाउंटिंग नहीं करी या एफएम भी रह गई, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग पे आप ज्यादा फोकस कर सकते हो क्योंकि वो इजीएस्ट पेपर है। तो उसके क्वेश्चन भी हम देखेंगे बहुत ईजी लेवल के आए हुए थे, और अगर आपने पास एनालिसिस किया हो मेरे साथ तो उन्होंने सिर्फ प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग जो कि एक चैप्टर है 11th क्लास का, उसी में से दो तीन क्वेश्चन दे दिए थे, ठीक है? और एक चीज और, जैसे अगर हम मार्केटिंग पढ़ रहे हैं तो अगर आपको पूरा डिटेल में नहीं पढ़ना तो पहले एक बार 11th की मार्केटिंग का चैप्टर पढ़ लिया फिर मार्केटिंग को डिटेल में पढ़ना स्टार्ट किया। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है जब आप कॉमर्स वाले सब्जेक्ट्स कवर कर रहे हैं, इससे होगा कि आप इजिली समझ पाएंगे। फिर और सबसे बेस्ट और रामबाण इलाज क्या है हमारे पास कि हम क्या करें, एमसीक्यूज प्रैक्टिस करें जितने हो सकते हैं। अगर आप हमारे साथ पहले से ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमारे वीडियोस देख रहे हैं तो आपको याद हो जब से नोटिफिकेशन आई है मैंने फाइनेंशियल अकाउंटिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट के चैप्टर वाइज एमसीक्यू क्वेश्चंस डिस्कस करे हैं, जो कि आपको यूट्यूब चैनल पे पूरी उसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो आप क्या कर सकते हैं, जब चैप्टर पढ़ लिया उस एमसीक्यू को जरूर देख लें, सिर्फ 5 to 6 क्वेश्चन हर एक चैप्टर के डिस्कस करें ताकि ज्यादा टाइम वेस्ट भी ना हो। जब आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे तो उससे होगा क्या, देख तो आपको बचल जाएगी आपको कंसेप्ट क्लियर है या नहीं है, और साथ साथ
मैंने सिर्फ आंसर्स नहीं बताए क्वेश्चंस के बाद, मैंने उन कंसेप्ट को एक्सप्लेन भी किया है। तो अगर आप कहीं अटक रहे होंगे तो वो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, अगर आपका सही भी हो रहा है तो वो आपकी रिविजन हो जाएगी, राइट। तो एमसीक्यू सारे प्रैक्टिस कर लेना, अगर नहीं मिले तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं लिंक मेंशन करवा दूंगा, ठीक है। ऐसे ही शुभम सर ने मार्केटिंग और एचआरएम के सारे एमसीक्यू चैप्टर वाइज कवर करे हैं हमने वहां पे, जिससे आपका पूरा पूरा सब्जेक्ट इजिली हो जाएगा। और अगर आप स्टार्टिंग से ही हमेशा हमारे साथ पढ़ रहे होंगे तो आई थिंक आप रिकॉग्नाइज कर पा रहे होंगे कि हाँ आपको पे पास कमांड है सब्जेक्ट की, राइट। और लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हाट यू हैव टू डू इज कि भाई जितने हो सके उतने मॉक प्रैक्टिस करने, ठीक है। तो इनरोल्ड स्टूडेंट्स के लिए हमने 5 मॉक्स लगा दिए हैं, मतलब कोर्स के अंदर ही अवेलेबल कर दिए हैं, और जो नॉन इनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं वो वेबसाइट पे जाके और या अपनी लॉगिन पे जाके इजिली मॉक्स को परचेज कर सकते हैं। और याद रखना, सिर्फ मॉक लगाने से कुछ नहीं होता, मॉक का एनालिसिस करना भी बहुत जरूरी है। जोन से टॉपिक पे आप फंस रहे हो उसको जाके दोबारा रीस्टडी या रिवाइज करना भी बहुत जरूरी है। तो लास्ट में भी मैंने एक स्ट्रेटेजी शेयर करी थी आपके साथ, दोबारा कर देता हूँ कि जैसे मैंने मॉक लगाया, दोबारा से मोटिवेशनल एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे ही मैंने मॉक लगाया, लेट सपोज मोटिवेशन से टॉपिक था और मेरा वो गलत हो गया, मोटिवेशन के मैस्लो नीड हायरार्की से क्वेश्चन था और वो गलत हो गया। अब मैं जब रिवाइज करने जाऊंगा तो सिर्फ मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी नहीं पढ़ूंगा, मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर का कुछ पढ़ लूंगा और इसके नीचे का भी साथ में रिवाइज कर लूंगा। जैसे मैस्लो के बाद हमारी हर्ट्ज़बर्ग थ्योरी आती है, थोड़ा सा उसके बारे में रिवाइज कर लिया, ठीक है, या फिर मोटिवेशन होता क्या है वो थोड़ा सा रिवाइज कर लिया, जो भी हमने नोट्स प्रिपेयर कर रखे हैं जहां भी कर रखे हैं वहां से। तो ऐसे आप ज्यादा से ज्यादा टॉपिक कवर कर पाओगे और आपको पता चल जाएगा कि हाँ कौन से टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो ज्यादा क्वेश्चंस उसके आपको दिख रहे होंगे, ठीक है, समझ आ गई। अगर तब भी कोई क्वेरीज हैं या फिर डाउट्स हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ईएसए डिप्टी डायरेक्टर नंजिंदर पे वो क्वेरीज पूछ सकते हैं, वहां पे मैं आपको रिप्लाई करूंगा, ठीक है। चले आज के लिए, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।